तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि लास्ट अभी मैंने कम्युनिकेटी टैब में एक पोस्ट को अपलोड करा था, ठीक है। एंड उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो ज़्यादातर लोगों ने किल्यू स्क्रिप्ट्स के ऊपर मतलब वोट करा एंड टोटल 31 वोट्स आए, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं इस वोट के बेस पे मतलब बनाने वाला हूँ, इन चारों वीडियो को कवर करूँगा, यानी कि अब जो सेकंड वीडियो होगी वो माइनक्राफ्ट के ऊपर होगी। एंड ऐसे करके जितने भी फिर मतलब जैसे जैसे वोट्स कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं उस टॉपिक को कवर करूँगा। बस मैं मतलब आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि अगर अगली बार से मैं कोई भी पोस्ट को अपलोड करता हूँ तो आप उस पर वोट जरूर करना, ठीक है। हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वाचिंग नाउ बी परफेक्ट चैलेंज। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसी किल्यू स्क्रिप्ट्स बताऊंगा जिससे आपकी गेम और भी रियलिस्टिक हो जाएगी। और इससे पहले भी मैंने कई किल्यू स्क्रिप्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाई है, तो आप जरूर उन वीडियोस को देखना, सिंपली मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आप चेक कर लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स जितनी भी अभी मैं आपको किल्यू स्क्रिप्ट दिखाऊंगा ये मैंने नहीं बनाए हैं, ठीक है, इनका ओनर मैं नहीं हूँ, मैं बस आपको इन्हें इंस्टॉल करना बता रहा हूँ। नंबर 5 पे है कॉल द कॉप्स स्क्रिप्ट। तो गाइस ये जो स्क्रिप्ट है ये सिंपली पहले से काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड वाली स्क्रिप्ट है, ऑलरेडी मतलब कॉल द कॉप्स के ऊपर स्क्रिप्ट है, बट ये उन सबसे अलग है। एंड इसे एक्टिवेट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर टच करना है। एंड आप देख सकते हो ये जो आपकी स्क्रीन होती है वो इस नंबर में डिवाइड होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आपको इधर इस वाले नंबर पर और इस वाले नंबर पर मतलब कि स्क्रीन पर ऐसे प्रेस करना है एक साथ, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। एंड आप देख सकते हैं रडार के अंदर, मैप के अंदर आप देख सकते हैं रेड रेड आपको दिख रहा है, यानी कि ये जो पुलिस है जिसे अभी हमने कॉल करके बुलाया वो आ रही है, ठीक है। तो गाइस इसे आप कहीं पे भी मैप के अंदर मतलब इस वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी आप अगर इसे एक्टिवेट करोगे तो कॉप्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। कभी कभार होता क्या है कि वो कॉप्स आ नहीं पाती क्योंकि वो आपसे काफ़ी दूर होती हैं, तो आप अगर आप एक दो बार मतलब कॉल करोगे तो डेफिनेटली आपके पास ज़रूर आएंगी, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अभी एक बार आके चली गई तो मैं फिर से कॉल करता हूँ तो ज़रूर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक और बार कॉल करा यानी कि स्क्रिप्ट को एक्टिवेट करा तो ये अपना पुलिस आ चुकी है। एंड सबसे अच्छी बात ये कि आप इन्हें किल भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी गेम भी बंद नहीं होगी। बट गाइस एक बात याद रखना, जब आप इन्हें किल करोगे तो आपके ऊपर केस तो डेफिनेटली चढ़नी है। नंबर 4 पर जो किल्यू स्क्रिप्ट है वो काफ़ी कमाल की है एंड इसका नाम है एक्सट्रीम ट्रैफिक। तो गाइस ये जो किल्यू स्क्रिप्ट है इसको एक्टिवेट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है, जैसे ही आप इसे अपने फोल्डर में पेस्ट करते हो ये किल्यू स्क्रिप्ट ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है, यानी कि जब भी आप गेम को स्टार्ट करोगे ये स्क्रिप्ट भी ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाती है। एंड इसका सबसे बड़ा मतलब फ़ायदा ये है कि जो रोड पर जो ट्रैफिक्स होते हैं जैसे कि कार होती हैं इनकी जो मतलब क्वान्टिटी होती है ना काफ़ी बढ़ जाती है, आप देख सकते हो एक के बाद एक कार्स आई जा रही हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा जो पैड्स होते हैं यानी कि जो लोग बाग होते हैं आसपास जो चल रहे होते हैं फुटपाथ के ऊपर सड़क के ऊपर मतलब जहाँ पे भी चल रहे होते हैं, तो उनकी भी जो जनसंख्या होती है यानी कि उनकी जो पॉपुलेशन होती है क्वांटिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। जहाँ पर आपको एक दो बंदे दिखते थे वहाँ पर आपको थोड़ा से ज़्यादा बंदे दिखेंगे। कुल मिला के आपको रोड पे चहल पहल यानी कि पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी एंड जो रोड पे जो कारें चल रही हैं इनकी भी संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। और गाइस इस स्क्रिप्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे इंस्टॉल करने के बाद हमें मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आती है एंड इसके साथ साथ हमें लगता भी नहीं कि हमने कोई स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हो ना कि इस स्क्रिप्ट से मतलब एक्चुअल में कितना ट्रैफिक इंक्रीज होता है तो मैं सिंपली आपको बता दूँ, आप 5-10 मिनट मतलब बिना स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करें गेम प्ले खेलो एंड नोटिस करो कि रोड पर आपको कारें कितनी दिख रही हैं, लोग बाग कितने दिख रहे हैं। एंड इसके बाद इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करके खेलो एंड फिर आप नोटिस करोगे कि जो कार की मतलब संख्या ना वो थोड़ी ज़्यादा होगी एंड जो पैड्स हैं ना उनकी भी संख्या कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ज़्यादा हुई है, ठीक है। नंबर 3 पे हमारी किल्यू स्क्रिप्ट है वो है होमीज इनसाइड। तो बेसिकली यानी जो स्क्रिप्ट है ये काफ़ी कमाल की है क्योंकि इस स्क्रिप्ट के थ्रू आप अपने साथ मतलब कोई जब एंट्रेवल वाली जगह होती है जैसे कि बार हो गया या कोई घर हो गया या मतलब कोई जगह होगी मतलब कोई भी एंट्रेवल वाली जगह होती है गेम के अंदर, अगर आप वहाँ पर एंटर करते हो या अपने घर के अंदर ही एंटर करते हो तो गाइस आप अपने साथ साथ अपने होमीज को भी एंटर करवा सकते हो। वो कैसे, उसके लिए सिंपली आपको करना है, सबसे पहले आपको मतलब अपनी गैंग बना लेनी है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैंने बना ली, ठीक है, ये बंदे मेरे साथ आ चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं इस बार के अंदर एंटर करता हूँ एंड आप देखोगे कि जैसे मैं इसके अंदर एंटर करूँगा मेरे साथ साथ ये दोनों बंदे भी एंटर करेंगे। ये देखिए गाइस आप देख सकते हैं ये दोनों भी एंटर कर गए। तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट काफ़ी कमाल की क्योंकि इससे जब आप पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर करते हो एंड वहाँ पर अगर आप फाइट लेते हो तो कहीं ना कहीं आपके जो बंदे ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, ये भी आपके साथ साथ फाइट करेंगे। तो नंबर 2 पे का जो स्क्रिप्ट है ये भी काफ़ी कमाल की स्क्रिप्ट है। तो गाइस गेम के अंदर जो रेस्टोरेंट्स होते हैं छोटे छोटे जिन्हें हम क्लैकिंग बेल्स भी बोलते हैं, जब आप उसके अंदर एंटर करते हो खाने के लिए तो सिंपली आपको करना क्या होता था, इनके पास जाना होता था एंड मतलब जो भी आपको खाना है वो सिलेक्ट करके आपको खा लेना होता है, ठीक है।
तो गाइस इस स्क्रिप्ट के थ्रू जब आप ऐसे मतलब इट कर दो, जैसे कि देखिए अभी मैं दो चार आइटम इट करके दिखाता हूँ, तो सिंपली इट करने के बाद आप मतलब जैसे ही बाहर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एक मतलब कट स्कैन सा आ जाएगा, जिसमें आपको नज़र आएगा कि सीजे मतलब बैठ के खाना खा रहा है। आप देख सकते हैं ये नाश्ता कर रहा है आराम से। सो गाइस अब सीजे के पास काफ़ी सारा टाइम है खाना खाने के लिए, एंड ये बस थोड़ी देर तक का आपको ऐसा ये कट स्कैन सा दिखेगा, एंड जब आप दोबारा इट करोगे तब आपको ये कट स्कैन नहीं दिखेगा, यानी कि जब आप फर्स्ट टाइम इट करोगे तभी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। मतलब कि अगर आपको एक कट स्कैन दोबारा देखना हो तो एक बार गेम सेव करके फिर से लोड करके स्टार्ट करना, एंड जब आप दोबारा से हिट करना आओगे तब आपको एक कट स्कैन देखने को मिलेगा। तो फाइनली गाइस हम स्क्रिप्ट नंबर 1 पर आ चुके हैं, एंड ये डेफिनेटली आपको काफ़ी ही पसंद आएगी। तो इस स्क्रिप्ट के अंदर गाइस दो चीज़ें, जब अगर आप पे कोई भी फायरिंग करता है या कोई भी मारता है तो आपकी जो स्क्रीन है ना वो ऑटोमेटिक रेड रेड से होने लगेगी, जैसे कि अभी आप ये देख सकते हो। मतलब किसी भी प्रकार से अगर आपकी हेल्थ कम हो रही है तो ये आपको रेड स्क्रीन देखने को मिलेगी। एंड गाइस ये मतलब पता भी नहीं चलता इतने जल्दी ये एक्शन होता है, तो मैं एक बार दोबारा से इनके पास पिटने जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से गेम प्ले। आ जाओ भाई मारो मुझे मारो। तो ये देख सकते हैं आप रेड रेड से स्क्रीन हो रही है, एंड इसके अलावा जब आप रूप से कूदते हो यानी कि किसी हाई लोकेशन से कूदोगे तो भी आपको ये रेड स्क्रीन देखने को मिलेगी। एंड इसमें जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जब आप कार ड्राइव करोगे एंड अगर आप तेज के कहीं पे कार को ठोकते हो तो इसके साथ साथ जो आपका हेल्थ बार है ना वो भी कम होगा। सुनने में आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, एंड सच में ये स्क्रिप्ट काफ़ी कमाल की है। तो कुल मिला के गाइस अब आपको कार को थोड़ा सेफ तरीके से चलाना होगा, एंड अगर आप ज़्यादा तेज की चलाते हो और इधर उधर ठोकते हो तो इसके साथ साथ जो आपकी हेल्थ है ना वो भी कम होगी ठोकने की वजह से, ठीक है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने कार को तेज की ठोका इस दीवार से एंड मेरी हेल्थ कम हो गई, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि GTA San Andreas गेम अब काफ़ी आसान हो गई तो इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करके मिशन कम्प्लीट करने की कोशिश करना एंड ड्राइविंग करने की कोशिश करना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो गाइस चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं इसका इंस्टॉलेशन, बट उससे पहले मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने इन स्क्रिप्ट्स को तैयार किया, एंड आप भी कमेंट्स में थैंक्स लिख सकते हो इनके लिए। तो सिंपली गाइस सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन से इन सभी स्क्रिप्ट्स को डाउनलोड कर लो, डायरेक्ट लिंक है मीडियाफायर की, एंड एक ही में सारी स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। आपको परेशान ना होना पड़े साइट पर बार बार जाके इन्हें डाउनलोड ना करना पड़े, इसलिए मैंने आपके लिए मीडियाफायर की लिंक प्रोवाइड कर दी है। तो सिंपली जब ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाती है तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। जैसे आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड में सिंपली आपको लिख देना है वंदे मातरम। स्पेलिंग में मिस्टेक मत करना, सब कुछ कैपिटल लेटर्स में है, एंड यहाँ पर आपकी फाइल हो चुकी है एक्सट्रैक्ट। तो सिंपली आपको स्क्रिप्ट्स का नेम देख के समझ में आ गया होगा कि कौन से स्क्रिप्ट्स का कौन सा यूज़ है। अगर बाय द वे इनमें से अगर आपको कोई सी स्क्रिप्ट्स पसंद नहीं है तो सिंपली आप उसे डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो अब करना क्या है, सिंपली सभी को सिलेक्ट करके आप कॉपियाँ कट करके सिंपली अपने जाइए एंड्रॉयड डाटा, यहाँ पर कॉम्ब्रॉइड रॉक स्टार वाला फोल्डर ढूंढ लो, फिर यहाँ पर सिंपली इस पर क्लिक करके आपको यहीं पर ही फाइल्स वाले फोल्डर के नीचे ही सबको कर देना पेस्ट, ठीक है। अब सिंपली आपकी सारी स्क्रिप्ट्स हो चुकी इंस्टॉल, एंड अब आप अपनी गेम को रन करो और गेम के मज़े करो। एंड मैं आपको बता देता हूँ आने वाली वीडियो और भी कमाल्स की होने वाली है, क्योंकि मैं उसमें और भी कई अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स लेकर आने वाला हूँ, एंड पिछली वीडियोस को भी आप जरूर देखना, उसमें भी आपको एक से एक रियलिस्टिक किलियो स्क्रिप्ट्स देखने को मिलेंगी। तो गाइस मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।